अब ये भाई साहब देखें कितने ख़तरनाक जगह से इधर आएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे वाला सफ़र तय करते हुए वो एंड पे जाएंगे। इनको पहले ही पता लग गया कि जी अब ऊपर आएगी पुलिस, तो ये लोग ऊपर की तरफ भाग गए हैं। ये जी अंकल जो है ना इंडिया से आए हैं यहाँ पे। अब चेक करें जी पूरा मक्का का मंज़र खूबसूरत, एक दो मिनट में सूरज बिल्कुल जो है ना गुरूब हो जाएगा, उस सुरंग से जाना पड़ेगा हमें। चलें जी। ओए 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 बस सर ये पाँव फिर स्लिप हो रहे हैं यहाँ से, देख लें ये देखें जी कैसे कैसे आया जा रहा है। और ये ज़्यारत करें दुरूद सलाम नबी पाक सल्लम पर भेज कर, ये गारे हिराम फाइनली पहुँचे हैं। ये देखें जी बाबा जी कहाँ से आ रहे हैं माशाल्लाह, ये हमें जो नीचे मिले थे कितनी मुश्किल से नीचे से आ रहे हैं। तो बाकी ये खूबसूरत मंजर आपके सामने माशाल्लाह, और वो सामने रहा क्लॉक टावर जहाँ पे हमने वापस जाना है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। चले जी अब जो है ना असर की नमाज यहाँ पे हमने अदा की है हरम पाक में, तो अब हम जा रहे हैं गारे हेरा। तो ये देखिए माशाल्लाह नमाज हुई है, नमाज के बाद रश देखे कितनी ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादातर जो है ना लोग आराम कर रहे होते हैं या फिर इस नमाज के जो टाइम होता है ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, क्योंकि सारे लोग जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए हरम पाक में आते हैं। मक्का टावर है, इसकी हिस्ट्री भी आपको जो है ना नेक्स्ट किसी ब्लॉग में बताऊंगा, यहाँ पे क्या क्या ज़्यारात हैं वो भी आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में नहीं उससे अगले ब्लॉग में। हमें जो है ना गाड़ी W3C के पास से मिलेगी, वो सामने रहा W3C, उसके पास जाएंगे रोड हिजरा के ऊपर, वहाँ से हमें कोई भी टैक्सी या कोई इस तरह की और गाड़ी मिल जाएगी जो हमें गारे हिरा छोड़ दे। ये सामने उमरा गेट, उमरे के लिए एहराम में इस गेट से सिर्फ इंटर होते हैं, बिल्कुल काबे के जो है ना बिल्कुल सामने ये वाला गेट है, ये एक नज़दीक इन्होंने बनाया है, बाकी गेट भी हैं लेकिन वो पूरी मस्जिद से होके फिर नीचे सैन में उतर के और फिर जो है ना काबे को देख पाता है इंसान। ये सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, इस ब्रिज से सीधा ऊपर जाएंगे फिर आगे अंदर इंटर होना पड़ेगा, वहाँ से आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप तवाफ भी कर सकते हैं और उसके बाद सही भी कर सकते हैं, कंप्लीट उमरा आप वहाँ से कर सकते हैं। तो उसकी अब तो मुझे प्राइस नहीं पता, पहले उसकी तवाफ की 100 रियाल थी और सही की भी 100 रियाल थी। मुदसर की छतरी भाग गई है हवा से। ये जी इस तरह की जगह जगह जो है ना पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये देखिए फ्री में जो है ना लोग लेके जाते हैं। अपनी मर्जी से जितनी मर्जी उठा दें, तो मैं भी ले लेता हूँ दो ठंडी ठंडी। ये ले जी जजाकल्ला। ये जी हम इस तरफ आए हैं तो यहाँ से हमें टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल हो गई है, कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं है गारे हिरा, तो आप जो है ना इनसे बात करते हैं। चलें जी हमारी इनके साथ जो है ना 20 रियाल में होगी ये बात, ऊपर छोड़ के आएंगे किधर छोड़ के आएंगे सामने। जी हम मीना में आ चुके हैं, वो सामने जो है ना जमरात है जी, पहले छोटा है फिर दरिया है उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा है। ये बोर्ड में साइन दिया ना इसी तरह है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है मैंने देखा है। ये जी अभी हम जो है ना गारे हिरा के नजदीक आ चुके हैं, वो सामने जो है ना गारे हिरा है, तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। ये जी पुराना रास्ता यहाँ से है और नया रास्ता वहाँ से है, अब जो है ना हमें यहाँ भी उतारा गया, म्यूजियम भी है कोई और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। चलें जी यहाँ से अंदर जाएंगे, ये देखें जी माशाल्लाह खूबसूरत कैफे वगैरह बने हुए हैं और कोई इंफॉर्मेशन वाला साइन बोर्ड है तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। ये जी हम जो है ना अंदर म्यूजियम में नहीं गए क्योंकि अगर वहाँ जाते तो हमारे पास गारे हिरा जाने का टाइम ना बचता, ठीक है, तो हमने फैसला किया है तीनों ने, मेरा कोई डिसीजन इसमें अकेले में नहीं था, हम तीनों ने ये फैसला किया है कि सीधा ऊपर जाते हैं जो मेन पॉइंट है गारे हिरा, वहाँ जाते हैं और वहाँ की ज़्यारत करते हैं।
तो बस चलें आपके साथ पूरा शेयर करेंगे रास्ते में से क्या कुछ होगा। अभी यहाँ से ऊपर पूरा पैदल वॉक है, तो चलें चलते हैं। चलें जी इस तरफ से अगर आए तो ये रास्ता ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के फिर सीधा ऊपर जाएगा गारे हिरा को। तो यहाँ से माशाल्लाह अब हमारा मैन जो सफ़र है ना वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से जाएंगे ऊपर गारे हिरा से। आप आए हैं कितना टाइम लगेगा आपका? ये भाई साहब से मैंने थोड़ी इनसे इन्फॉर्मेशन ली है, तो ये कह रहे हैं ऊपर तक हमारे 2-2.5 घंटे लगे हैं। अब देखते हैं हमारा कितना टाइम लगेगा। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। बता सर क्या टाइम हुआ है? 5:01। अच्छा जी फिक्स अब 5 हो गए हैं। 1 मिनट को काउंटिंग करेंगे, फिक्स 5 हो गए हैं। तो अब देखते हैं ऊपर तक हमारा कितना टाइम लगेगा गारे हिरा तक। और माशाल्लाह यहाँ पे खूबसूरत बिल्लियाँ, हाय 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 माशाल्लाह जी। ये पता नहीं आप कबूतर की खाती हैं या नहीं। ये देखें यहाँ पे कबूतर भी काफ़ी हैं। पानी पीने, पानी हम यहाँ पे जो है ना पानी डाल देते हैं, बाकी वो खुद ही पी लेगी आके। ये पूरा हमने कप भर लिए। चलें जी यहाँ पे जो है ना इन्होंने एक छोटा इंफॉर्मेशन देने के लिए एक सेंटर बनाया हुआ है। इस सेंटर में हम दाखिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कुछ है देखते हैं। गारे हिरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो वही है। और साथ में टक शॉप है यहाँ पे। ये जी यहाँ से लिए हमने बिस्किट कुकीज़। तो ये कुकीज़ भी जो है ना 7 रियाल की, 8 रियाल की ये जो है ना बिस्किट मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 दाने 8 रियाल के। कैसा लगा आपको? अच्छा आज आपका सही वेट जो है ना लॉस होगा। हाँ बिल्कुल, इधर जो है ना वेट लॉस होना ही है। माशाल्लाह खूबसूरत रास्ते हैं, इनके ऊपर जो है ना जाना भी एक एक कदम भी हमारे लिए अजर है। अल्लाह पाक का शुक्र है। ये जी हम वो नीचे से आए सीधा यहाँ तक सिर्फ 18 मिनट में। माशाल्लाह अभी का अभी पूरा सफ़र जो है ना बाकी है पीछे। ये जी अभी हम ऊपर आ चुके हैं और सामने खूबसूरत मंजर मक्का का और सामने क्लॉक टावर। आपको जाके वहाँ एंड से दिखाता हूँ खूबसूरत मक्का का मंजर। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे वाला सफ़र तय करते हुए वो एंड पे जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको बताएंगे कितनी देर में हम ऊपर पहुँचेंगे। तो माशाल्लाह अभी पानी जो साथ हम लेके आए हैं अभी जमजम, तो इसको पीते हैं। ये जो गाड़ी ऊपर जा रही है ना यहाँ के जो लोकल सऊदी हैं सिर्फ उनका अलावा है गाड़ी पे भी आना, क्योंकि रास्ता भी पूरा मुकम्मल बना नहीं है इस वजह से। ये देखें जी मुदस्सर माशाल्लाह बिल्ली को पानी पिला रहा है। ये देखें जी माशाल्लाह हम बिल्ली को जो है ना यहाँ पे पानी पिला रहे हैं। ये देखें ये जी यहाँ पे ये छोटी बच्चियाँ पानी बेच रही हैं, लेकिन धोखे के साथ बेच रही हैं। ये जी यहाँ पे जो पानी बेच रहे हैं ना शुरते मतलब यहाँ की पुलिस वो आ गई है, और ये लोग जो है ना यहाँ से भाग गए हैं। ये देखें छोटी बच्ची को, और पुलिस यहाँ से आ रही थी, वो नीचे से आ रही है पुलिस। ये देखें वो नीचे, इनको पहले ही पता लग गया कि जी अब ऊपर आएगी पुलिस, तो ये लोग ऊपर की तरफ भाग गए हैं कि हमें पकड़ ना ले। इनलीगल यहाँ पे जो है ना पानी बेचा जा रहा है, ज़बरदस्ती लोगों को देते हैं, लोग समझते हैं सबील है, तो वो खोलते हैं जैसे ये पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं। 1 रियाल का पानी यहाँ पे ज़बरदस्ती दे के 2 रियाल ले रहे हैं जी। 1 रियाल, ये 2 रियाल का दे रहे हैं, ये 2 रियाल का दे रहे हैं। ये जी अभी हमने एक ब्रेक और ली है, तो इस तरफ से बड़ी खूबसूरत और ठंडी हवा आ रही है। इस तरफ से नीचे भी आबादी देखिए माशाल्लाह मक्का की आबादी, और सामने खूबसूरत पहाड़। हमारा 1 घंटा हो गया, तो अब हम जाके जो है ना गारे हिरा के पास पहुँचे। ये नीचे अभी बहुत रास्ता बाकी, हाँ अभी भी है रास्ता जो गाड़ी पर आते हैं और यहाँ पर ये कोई स्पेशल बंदे हैं वो ही आ सकते हैं लोकल, बाकी कोई नहीं। ये जी यहाँ से भी आपको एक व्यू दिखा देता हूँ मक्का का, क्योंकि स्टेप वाइज मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ। और इस तरफ से भी जो है ना पैदल रास्ता है, लेकिन यहाँ से आगे से तो ये बंद किया हुआ है इन्होंने। बंद है क्लोज? ओहो आप तो बहुत हाइट पे आए हैं तो ये क्लोज हो गए। इनके साथ तो बहुत गलत हो गए, और बहुत इतनी हाइट के ऊपर ये बेचारे चढ़ के आए और आगे से रास्ता ही बंद है। इस तरफ से इस रास्ते पे ऑलरेडी इनको नीचे से बंद करना चाहिए ना कि ऊपर से, क्योंकि इतने दूर तक ये लोग ऊपर आते हैं
ये देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ, लेडीज़ भी आ रही हैं और मर्द हजरात भी आ रहे हैं, वो नीचे से आ रहे हैं बिल्कुल, तो ऊपर तक यहाँ तक आके फिर आगे से अगर बंद है। आप ये भाई साहब देखें कितने ख़तरनाक जगह से इधर आएंगे, ये देखें ये तो फिर भी मर्द हैं, इस तरफ से हो के आगे हैं, लेकिन लेडीज़ जो नीचे से ऊपर आ रही हैं उनके लिए तो मुझे बहुत ही जो है ना ये ख़तरनाक लग रहा है। वो यहाँ से कैसे आएंगी, ये देखें ये भाई साहब तो आ गए हैं, ये देखें ये चलें, इनके लिए तो थोड़ी फिर भी आसानी होगी, ऊपर आए हैं वापस नहीं जाना पड़ा, ये कूद के आ गए हैं, लेकिन जो लेडीज़ हैं नीचे से ऊपर आएंगी उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर वो बेचारी वापस जाएंगी और फिर दूसरे रास्ते से आएंगी, ये थोड़ा सा इन लोगों के लिए प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इनको चाहिए कि नीचे से ही बंद करें फिर। ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ का खूबसूरत व्यू और मेरे साथ खूबसूरत गंजा, मैं भी गंजा हूँ। हाय 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 हाय, क्या मज़े की ठंडी ठंडी हवा लगी है और गला मेरा जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गया और हल्का हल्का बैठ भी गया, बैठना अगर आप नहीं समझते तो ख़राब होना समझिए, ख़राब हो गया। आप चेक करें हमारे आने की जगह, वो नीचे जहाँ घड़ियाँ घड़ियाँ वहाँ से आई थी, तो कितनी हाइट तय करके हम यहाँ तक पहुँचे। ये देखें जी माशाल्लाह क्यूट सा बेबी यहाँ गारे हरा के ऊपर, ये जी अंकल जो है ना इंडिया से आए हैं यहाँ पे माशाल्लाह, गारे हरा फर्स्ट टाइम है आपका, फर्स्ट टाइम सही है। इंडिया कौन सी जगह से है? इंडिया यूपी, यूपी बिहार, यूपी यूपी यूपी। आपके इर्द गिर्द में सबसे जो फेमस इलाका कौन सा? लखनऊ, लखनऊ मालूम है? जी जी लखनऊ देखा है हमने वीडियो में, 100 किलोमीटर हमारा दूर पूरा साइड में यूपी, यूपी हाँ। सही है ये जी लखनऊ के नहीं यूपी के हैं, इनके इर्द गिर्द जो करीब का इलाका फेमस है वो लखनऊ है, लखनऊ। ये देखें जी अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट हो गया हमारे यहाँ तक। ये देखें जी खूबसूरत मक्का का मंजर और सामने सनसेट हो रहा है माशाल्लाह, खूबसूरत सनसेट हो रहा है। गारे हरा के टॉप पे आ चुके हैं माशाल्लाह, यहाँ पे जो है ना काफ़ी एज वाले बंदे भी आए हुए हैं, हम तो माशाल्लाह यंग हैं फिर भी मार लिए, इतना टाइम लगा ये बेचारे भी हैं। ये जी देखें यहाँ से आगे फिर नीचे की तरफ उतरने गारे हरा, लेकिन यहाँ पर तो माशाल्लाह काफ़ी रश है और मक्का पूरा जो है ना रोशन होने वाला है सिर्फ थोड़ी ही देर में। अब चेक करें जी पूरा मक्का का मंजर खूबसूरत, 1-2 मिनट में सूरज बिल्कुल जो है ना गुरूब हो जाएगा और मक्का पूरा रोशन हो जाएगा, वो भी फिर आपको दिखाएंगे। सामने एक बंदा जो है ना इधर से फिसल गया था, उसकी टांग में मोच आ गई है तो उसको ट्रीटमेंट ही दिया गया। यहाँ से हमारी चप्पल भी ख़तरनाक है, बिल्कुल एहतियात से करना देख के, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो है ना वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिसलन है, लेकिन हमारा प्रॉफिट भी कोशिश करेगा कि वीडियो बनाएगा। बिल्कुल जी अब मेरे व्यूअर्स जो दिखने वाली उनके लिए जो है ना इतना तो करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल जगह यहाँ से, एहतियात के साथ जाएंगे नीचे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा जो है ना यहाँ से ये देखें जी मगरब की अजान स्टार्ट हो गई है, कितने मुश्किल रास्ते गारे हरा का, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ये पांव फिर स्लिप हो रहे हैं यहाँ से देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, कुछ टाइम में पूरा मक्का जो है ना रोशन होगा और आपको वो खूबसूरत मंजर दिखाऊंगा मैं। अब जो है ना यहाँ से हमने अंदर जाना है माशाल्लाह जी गारे हरा के, जी 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 कोई मसला नहीं, आप आराम सुकून से जाएँ है? कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह फतल्ला। ये जी अब जो है ना यहाँ से गारे हरा को अंदर जाएंगे माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी हाँ जी माशाल्लाह, ये देखें जी यहाँ से ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह जी, एक दफा दुरूद पढ़ के जो है ना
फिर इस वीडियो को देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम। ये देखें जी कैसे कैसे आया जा रहा है। ये देखें यहाँ यहाँ से जाना पड़ेगा माशाल्लाह। बस थोड़ा सर में लग रही है। शुक्रिया शुक्रिया। ये जी माशाल्लाह हम हाई गए और ये ज़ियारत करें दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लम पर भेज कर ये गारे हिराम फाइनली पहुँचे हैं। तो ये ज़ियारत करें, मैं आपको ज़ियारत भी करवाऊँगा और यहाँ पे हम नफल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जो है ना 3 दिन क़याम किया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हमराह। तो उन्होंने यहाँ पे क़याम किया था। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। ये देखें जी माशाल्लाह जी साहब यहाँ पे इबादत कर रहे हैं जी। आपकी बना दी है मैंने। कहाँ से आप? यूके से। यूके से? अच्छा पाकिस्तान जी। पाकिस्तान में भाई, यूके में रह रहे हैं। सही है, ठीक है। आज आज चलें जी, आप लोग भी ज़ियारत करें। अब मैं दुआ करता हूँ और आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा और अपनी फैमिली के लिए भी दुआ करूँगा। तो आप लोग भी मेरी फैमिली हैं तो आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा। तो चलें मैं अब जो है ना मोबाइल को बंद कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे दुआ करूँगा और उसके बाद फिर यहाँ पे नफल अदा करूँगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नफल अदा कर दी है, बाकी फ़र्ज नमाज जो है ऊपर जा कर अदा करूँगा। तो आप सबके लिए दुआ मांगी, अपने घर वालों के लिए भी मांगी है। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पर आऊँ और ये वाला मंजर अपनी आँखों से देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ माशाल्लाह। चलें आपको दिखाता हूँ मैं। देर तक अंधेरा हो जाएगा फिर ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलें जी अब हम जो है ना वापस जा रहे हैं, तो बाहर यहाँ से निकल के फिर आपको दिखाते हैं बाकी का मंजर मक्का का। ये देखें जी माशाल्लाह कैसे कैसे जो है ना हाजी नीचे से आ रहे हैं। ये चेक करें। बैठ के जा रही, ऊपर से जाओ आप, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से ही मैं भी ऊपर से ही आया था। देखें जी माशाल्लाह रात के टाइम भी कितनी रौनक है। ये देखें थोड़ा सा हाँ। ये देखें जी बाबा जी कहाँ से आ रहे हैं माशाल्लाह। ये हमें जो नीचे मिले थे कितनी मुश्किल से नीचे से आ रहे हैं। ये देखें जी बाबा जी कहाँ से आ रहे हैं माशाल्लाह। ये हमें जो नीचे मिले थे कितनी मुश्किल से नीचे से आ रहे हैं। और इस तरफ से भी है रास्ता एक, तो मैं आते वक्त भी इस रास्ते से आया था। क्या दिस वे? यस यस यू एग्जैक्ट यस कम हियर। ये देखिए जी माशाल्लाह गारे हिरा का खूबसूरत मंजर और आगे मदसर का गंजा हुआ सर। यस 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 आ जाए आ जाए। गुड 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 अच्छा पर यानी मुश्किल अकेले ज्यादा वो मुश्किल जस्ट मिनट, एक मिनट मुझे दें बस मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ। सिर्फ एक ही रास्ता यही मेरे साथी किधर गए? सही है सही है। मैंने अभी जो है ना अपने व्यूअर्स को खूबसूरत मंजर भी तो दिखाना है मक्का का। अब आपको दिखाता हूँ मैं खूबसूरत मंजर मक्का का। और वो सामने रहा क्लॉक टावर
जहाँ पे हमने वापस जाना है। सामने चांद और इधर क्लॉक टावर और इधर गारे हेरा। उस तरफ से भी एक खूबसूरत व्यू दिखा के आता हूँ जी, ऊपर से दिखा दूँ, ऊपर से चले आए फिर ऊपर से दिखा देता हूँ। चले जी, अब जो है ना हमारा वापसी का सफर है, यहाँ से ऊपर जाते हैं, नमाज मगरब अदा करते हैं और फिर जो है ना आपसे मिलते हैं। इस रास्ते से थोड़ा ऊपर चले जाएं, मुश्किल रास्ता है हमारे लिए आज तो। फिर भी यहाँ पे सीढ़ियाँ बन गई हैं, सारा कुछ हो गया तो। लेकिन 1450 साल पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ आया करते थे, ये देखें जी, जिस टाइम हम नीचे गए थे उस वक्त इतना रश नहीं था, अब जो है ना बहुत ज़्यादा रश हो गया इस टाइम पे। ये देख माशाल्लाह, मैंने तो आराम से जो है ना नफल अदा कर लिए थे, बहुत ही आराम से, बहुत सुकून के साथ, कोई जल्दी नहीं थी। अब तो बहुत ज़्यादा रश हो गया, तो अब सिर्फ ज़्यारत हो रही है, नफल इस टाइम कोई भी अदा करने नहीं दे रहा क्योंकि बाकी लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुझे सादत दी, मैंने मगरब की नमाज़ यहाँ पे अदा की, तो बाकी ये खूबसूरत मंजर आपके सामने माशाल्लाह। ये जी गारे हिरा के ऊपर बैठे हैं, रात को दिन को रोशनी में कोई भी नहीं होता, रोशनी में यहाँ पे कोई भी नहीं होता, जैसे ही कि अंधेरा हल्का हल्का हुआ ये लोग आके बैठ के सारे, कुछ ऊपर भी हैं और ये नीचे हमें मिले हैं और बाकी भी जितने मिलेंगे आपको दिखाएंगे सारे। ये यहाँ पे आके जो है ना भीख मांगते हैं, जिससे जो है ना हमारे पाकिस्तान की इमेज ख़राब हुई है और आज जो है ना हम पाकिस्तान के लिए हर तरफ से जो है ना वीज़े बंद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमर। और आप भाईजान? एहतिशाम। आप किधर से? यूके से? हाँ, यूके से। ठीक हो गया, आप ही सियालकोट से है ना? चले सही है जी, सियालकोट के भाई हमें मिले हैं, तो ये कह रहे हैं आपको सब्सक्राइब करते हैं, मैंने कहा कर लें फ्री में, पैसे तो मेरे पास है नहीं है। मिलके बहुत खुशी हुई आप लोगों से, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ये जी मेरा भांजा है, पाकिस्तानी है, तो यहाँ पे आके अपनी इमेज ख़राब कर रहा है, लोगों से मोबाइल मांग के हॉटस्पॉट चला रहा है। मजाक कर रहा हूँ, ये भाई साहब हैं, इन्होंने हमारी वीडियो कह रहे हैं आपका चैनल सब्सक्राइब करना है, तो मैंने कहा शौक से कर लें, कोई इशू नहीं है, तो ये हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब करने लगे हैं। आप क्या कहते हैं कि मेरे साथ पाकिस्तान से कोई ग्रुप अगर उम्रे पे आना चाहे तो मैं उनको पूरा प्रॉपर गाइड कर लूंगा ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग वैसे एंटरटेन करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ ट्रैवल करूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये भाई तो मेरे से माशाल्लाह बहुत खुश है, कह रहे हैं मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आया तो आपके साथ आऊँगा। आप लोगों में से भी अगर मेरे साथ कोई आना चाहता है ग्रुप में उम्रे पे या हज पे तो मुझसे रब्ता कर सकता है। चलें जी, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करने को दिल तो नहीं कर रहा लेकिन फिर भी ख़त्म करनी पड़ रही है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो चलें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट्स करके सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।